नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नाउ हाल ही में क्या हुआ कि एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी गोवा में, वो हुई और उसमें जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर थे सर्गेई लावरोव, वो इंडिया आए थे। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में जवाब देते हुए ये कहा कि इंडिया के बैंकों में बहुत सारा रुपया हमारा पड़ा हुआ है जो हम नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद में इस बात के बहुत ज़्यादा कायसे लगाए जा रहे हैं कि क्या इन द फ्यूचर भारत और रसिया का जो ट्रेड है वो डिसलाइन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रसिया कह रहा है कि जो हमारा पैसा इंडियन बैंक में पड़ा है यानी रुपी में है वो हम यूज नहीं कर सकते, हमारे किसी काम का नहीं है वो, हमें किसी दूसरी करेंसी में वो पैसा चाहिए। कहने का मतलब है कि जो युआन है चाइना का उसमें चाहिए उसको, क्योंकि डॉलर वो यूज नहीं कर सकता है, काट सा लगा है उसके ऊपर। इसी वजह से इंडिया और रसिया रुपी और रूबल में ट्रेड करना चाह रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया और रसिया के ट्रेड में ट्रेड इम्बैलेंस ज़्यादा है। इंडिया उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है रसिया को जितना इम्पोर्ट कर लेता है रसिया से। देखो, रसिया में इंडिया गुड्स भी नहीं भेज सकता, इंडिया के गुड्स उस क्वालिटी के नहीं है कि जो कम्पटीट कर पाए अन्य देशों के गुड्स। ज़्यादातर जो रसिया में सामान मिलता है वो चाइना और जापान का होता है, लेकिन जापान तो इस टाइम नहीं दे रहा है, फिर भी चाइना दे रहा है, और इंडिया के गुड्स उस क्वालिटी के नहीं है कि वो कम्पटीट कर पाए उन्हें। और सेकेंड थिंग ये है कि कोई कमोडिटीज़ इंडिया नहीं सेंड कर सकता है रसिया को, क्योंकि रसिया खुद एक रिसोर्स रिच कंट्री है। तो इस वजह से इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है कि कम्पटीट करे जो ट्रेड इम्बैलेंस है रसिया के साथ में। इस वजह से जो ट्रेड हुआ इंडिया और रसिया का रुपी और रूबल में, उसके हिसाब से जो रुपी है वो ज़्यादा हो गया रसिया के पास में, वो इंडियन बैंक में है। अब यही बात मेन कारण बन रही है कि इंडिया और रसिया का जो ट्रेड है वो ज़्यादा अंधेरे में दिख रहा है उसका फ्यूचर, क्योंकि इंडिया तो बहुत ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है, इसके अलावा रसिया ने इंडिया को जो भी हथियार सप्लाई था वो इस टाइम पे बंद कर रखा है, क्योंकि रसिया प्रेजेंट टाइम में वॉर में है यूक्रेन के साथ में, तो इस वजह से भी बंद कर रखा है। और सेकेंड थिंग ये है कि इंडिया पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इंडिया काटसा एक्ट लग जाने की वजह से उसको डॉलर में पैसे नहीं दे सकता, और इंडिया नहीं चाहता है कि युआन वो एक्सेप्ट करे जो चाइना का है, तो मेन रीज़न ये बन रहा है। अब देखो, वहाँ पे ऑयल तो सरप्लस है रसिया में, तो ऑयल तो कंटिन्यू इन द फ्यूचर हो सकता है कि रसिया सप्लाई करता भी रहे इंडिया को, हथियार सप्लाई नहीं करेगा कंटिन्यू, ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी उसने दो बैटरीज रोक रखा है जो S-400 का था, 5 थे टोटल जिसमें से 3 ही आए इंडिया में, 2 अभी तक नहीं आया है, और ये भी नहीं पता है कि कब तक आएगा, क्योंकि रसिया इस बारे में अभी कुछ ज़्यादा क्लियरेंस नहीं दे रहा, क्योंकि उसका कहना है कि अभी आपका जो पैसा है वही नहीं पहुंचा हमारे पास में, आपका रुपी में आप जो पेमेंट करते हो वो हमारे यूज का नहीं है। तो इस वजह से इंडिया और रसिया का जो पार्टनरशिप है वो कुछ ज़्यादा ही टफ टाइम से गुजर रहा है, क्योंकि सस्पेंशन हो रहा है ना रुपी और रूबल ट्रेड का, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और दुनिया भर में जितने भी नेशन हैं वो इकोनॉमिक पावर हाउस तभी बने हैं जब उन्होंने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है, इंडिया उस मामले में अभी बहुत पीछे है। रसिया बहुत रिसोर्स रिच कंट्री है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसका भी जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी होती है वो इस लेवल की नहीं है कि अक्रॉस द वर्ल्ड के डिमांड के अकॉर्डिंग वो कंपीट कर पाए, लेकिन फिर भी रसिया के पास ऑप्शन है, वो मिडिल ईस्ट में बेचेगा अपने हथियार अगर इंडिया की मार्केट उसके हाथों से निकल जाती है, और अफ्रीकन कंट्री में बेचेगा, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड के एम्बेशन के नीचे हर एक देश दुनिया का अपने आप में ताकतवर बनना चाहता है, और उसके लिए रसिया का वेपन बहुत ही वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि रसिया का जो वेपन्स है वो कंपेटिवली सस्ता है दुनिया के अन्य वेपन्स से। इसी वजह से इंडिया जानबूझकर रसिया के वेपन से दूरी नहीं बना सकता है, क्योंकि अफोर्डेबल है, और अगर USA और कहीं का वेपन लेने जाएगा इंडिया तो बहुत महंगा है। तो मेन रीज़न ये है कि इंडिया रसिया के वेपन्स खरीदना बंद नहीं कर सकता है, डॉलर में उसको पेमेंट नहीं कर सकता है, रुपी रसिया कह रहा हमारे काम का नहीं है। देखो, ऑयल तो सप्लाई करता रहेगा रसिया, क्योंकि ओबियसली उसके पास सरप्लस ऑयल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके पास में इसका भंडार है, लेकिन अब क्या है कि एक ऑप्शन इसमें आता है। देखो, यहीं से तो होप खत्म हो नहीं जाती है। रसिया क्या कह रहा है कि कोई नहीं, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वेपन्स का इंडिया में, मेड इन इंडिया को रसिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और ये बात अब नहीं शुरू हो रही है कि रसिया 2022 में जब से यूक्रेन के साथ वॉर में गए तब से कह रहा है कि हम मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हैं। 2019 में ही इस बात को क्लियर कर दिया था रसिया के जो डिफेंस फैक्ट्रीज हैं उसके CEO ने कि हम इंडिया के साथ में इंडिया में ही बनाएंगे, S-400 के रेजिमेंट्स जो हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे ज्वाइंट वेंचर के तहत, इंडिया और रसिया के तहत। जैसे फॉर द एग्जांपल के लिए ब्रह्मोस इसका क्लासिक एग्जांपल है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है वो बना तो इंडिया में है लेकिन रसिया का टेक्नोलॉजी है उसमें। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि S-400 भी इंडिया में बनाएंगे, और हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, साइडलाइंस मीटिंग हुई है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें डिफेंस मिनिस्टर जो मिले थे रसिया के और इंडिया के, राजनाथ सिंह जी इंडिया की तरफ से और
रशियन डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इस बारे में भी बात की है कि इन द फ्यूचर हम इंडिया में किस तरह से हम ज्वाइंटली कैसे वेपन बना सकते हैं, क्योंकि काट्सा जो है वो रशिया को बहुत हर्ट कर रहा है। देखो वेपन्स तो ये कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन काट्सा तो इनको वहाँ भी हर्ट करेगा, डॉलर में कैसे लेंगे पैसे। और इंडिया के पास तो भी बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ है जो रसिया को सेल कर सकता है, अफ्रीकन कंट्री के पास क्या है जो रसिया को बेच दे गए हो। तो इस वजह से रसिया के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि रसिया डायरेक्टली इंडिया से ये भी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं हम आपसे अब कोई ट्रेड नहीं रखेंगे, आपके पास रुपी है और रूबल में आप ट्रेड करना नहीं चाहते हो और ना ही युआन में, क्योंकि मार्केट तो ढूंढ लेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम इंडिया के साथ में हो रही है वही प्रॉब्लम अदर मार्केट के साथ में भी रसिया के लिए होगी। लेकिन ये ओबियस ही बात है कि रसिया के साथ ट्रेड खत्म करना इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा कंपेटिवली रसिया के लिए। रसिया को कहीं ना कहीं मार्केट मिल जाएगी और कुछ नहीं होगा तो नेचुरल रिसोर्स तो है ही अफ्रीकन कंट्री के पास। रसिया की जो स्टेट कॉरपोरेशन रोस्टेक है उसके CEO सोर्गवे जेमजो ने कहा था 2019 में कि हम S-400 का प्रोडक्शन इंडिया में करना चाहते हैं, और इसके अलावा P-75 सबमरीन जो है वो भी इंडिया में बनाएंगे। रसिया रेडी था ट्रांसफर करने के लिए अमोर 615 सबमरीन टेक्नोलॉजी जो इंडिया को चाहिए था, और इसके अलावा वो कोलेबरेट करना चाहता था DRDO के साथ में। जो भी सबमरीन होती हैं ये IP सिस्टम वाली वो सबमरीन होती हैं जो नॉन न्यूक्लियर युक्त होती हैं, यानी न्यूक्लियर से तो वो नहीं चलती हैं लेकिन एयर इंडिपेंडेंस परपल्यूजन होती हैं। मतलब क्या होता है कि उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंदर से अंदर अपना ईयर सेट कर लेती हैं और उनको बाहर निकाल के उनका जनरेटर नहीं चलाना पड़ता है, अंदर ही चलती रहती हैं, एकदम न्यूक्लियर जैसे ही चलती हैं लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होती हैं। ये काफ़ी हैवी टेक्नोलॉजी है, इंडिया को देने के लिए रसिया रेडी था। और रसिया इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को देने के लिए रेडी था। जो न्यू टैंक्स हैं रसिया के फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन FSBTS जो था उसने कहा था कि जो हमारे एडवांस अमरेटा मेडिकुलर ट्रैकर्ड प्लेटफॉर्म है वो इंडिया के साथ शेयर कर देंगे। व्लादिमीर धर्जाकोव जो डिप्टी डायरेक्टर हैं FSBTS के, उन्होंने कहा था रशियन मीडिया से कि हम इन द फ्यूचर बहुत इंटरेस्टेड हैं कि इंडिया के साथ में इस तरह के टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करें, टैंक की टेक्नोलॉजी और बैटल टैंक और मेन बैटल टैंक जो भी होता है सबकी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा GP डेवलपमेंट ने भी ऑफर किया था रसिया के कि जो SU-35 जगमेट स्टेल फाइटर है वो भी हम इंडिया के साथ बनाना चाहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे देंगे। तो इस वजह से इन द फ्यूचर एक ही तरीका निकल के सामने आता है कि इंडिया में ही वेपन्स बनाए जाएं रसिया के ज्वाइंट वेंचर के तहत, जिस तरह से ब्रह्मोस बनाया गया है, और उसके बाद इंडिया सेल करेगा उसको मिडिल ईस्ट में, और साथ ही साथ में लुक ईस्ट के तहत इंडिया ज़्यादातर चाहता है कि जो ईस्ट एशिया है वहाँ पे सेल करे, और वो अल्टीमेटली चाइना के अगेंस्ट ही यूज होने वाला है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया जो ट्रेड इम्बैलेंस है रसिया के साथ उसको भी कम कर पाएगा, और इन द फ्यूचर इंडिया को भी चाहिए कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी से बने सामान रसिया में बेचे जिससे ट्रेड इम्बैलेंस कम हो और रसिया को इस तरह से प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, क्योंकि रसिया को प्रेजेंट टाइम में चाहिए पैसा, उसको फंड करना है जो वॉर हो रहा है यूक्रेन में, लेकिन वो जो रुपी है उससे उसका काम नहीं चला सकता है, उसको चाहिए युआन या रूबल, जो कि इंडिया चाहता नहीं है कि हो, क्योंकि रूबल में तो इंडिया भी ट्रेड करना नहीं चाहता जिस तरह से रसिया रुपी में नहीं करना चाहता। मुद्रा स्फीति दर मेन कारण बन रही है इन दोनों के बीच में।